हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू अवर इंग्लिश क्लास. आई एम सीमा शर्मा एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर पॉइंट क्लास 10th, दैट इज फोम. फोम द पॉइंट इज रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग. इट इज रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग. The time period of the Carl Sandburg is 1878 to 1967. Here in this point that he just describes the coming and going of fog. So here this is the stanza. This is very short point and I'm going to explain it. The fog comes on little cat feet. The word fog. Fog means thick mist. Thick mist. थिक मिस्ट, इसको आप हिंदी में कोहरा या घनी धुंध बोलते हैं, उसको बोला गया है फॉग. मींस थिक मिस्ट. ऑन लिटिल कैट फीट. लिटिल कैट फीट, जिस तरह से एक छोटी बिल्ली आती है, ठीक है, लिटिल कैट फीट, विदाउट एनी मूवमेंट, जिस तरह से बिना कोई मूवमेंट किए वो चुपचाप जो चुपके से आ जाती है, तो उसको जो है वो फॉग को यहाँ पे कंपेयर किया है कार्ल सैंडबर्ग ने कि किस तरह से जो है वो फॉग आती है और चली जाती है चुपचाप. The fog comes on little cat feet like a cat. Here I just want to say like a cat. जिस तरह से एक cat जो move करती है चुपचाप अपने पैरों पे आती है, अपने पंजों पे आती है और आराम से आकर बैठ जाती है. The fog comes on little cat feet. It sits looking. Sits means बैठ जाती है. देखिए यहाँ पे जो fog है उसको बोला गया है, उसको एक ऐसे human term के अंदर change कर दिया गया है. वैसे तो वो क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग है. नॉन लिविंग थिंग को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ह्यूमन टर्म के अंदर कर दिया. जिस तरह से जो ह्यूमन भी होते हैं, जो बोलते हैं, ठीक है, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं. एंड एट लास्ट आई विल एक्सप्लेन द पॉइंट इन डिवाइस. इट सिट्स लुकिंग, वो बैठ जाती है और देखती है. क्या लुक आफ्टर करती है यहाँ पे, वो क्या लुक आफ्टर करेगी, ओवर हार्बर एंड सिटी. Over harbor and city, it means over sea and land. Over sea and land. Clear this line. तो यहाँ पे जो है वो पॉइंट क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि एक फोग जो है वो आती है on little cat feet, जिस तरह से लाइक ए कैट, एक कैट जो है वो दबे पाँव जो चुपचाप किसी घर में एंट्री कर जाती है, तो फोग भी चुपचाप आती है. इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी. सिट्स लुकिंग, और बैठ जाती है क्या देखने के लिए, ओवर हार्बर एंड सिटी. ओवर हार्बर एंड सिटी मीन्स ओवर सी एंड लैंड. जिस तरह से कोई समुद्री एरिया होता है या फिर कोई ऐसी बड़ी लैंड होती है, तो आपने देखा होगा कि जैसे कोहरा होता है, धुंध होता है, जो सर्दियों का जो है विंटर का टाइम होता है, वो धुंध जो वो धीरे 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 बढ़ती जाती है और पूरा जो वो स्प्रेड आउट जाती है. क्लियर? तो यहाँ पे भी जो वो कैट का जो आना है, फोग का जो आना है, उनको कंपेरिजन के साथ जो वो एक्सप्लेन करके बताया है कार्ल सैंडबर्ग ने. ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट मीन्स साइलेंट मोड के अंदर. हॉन्चेस, हॉन्चेस क्या होता है, सॉफ्ट पार्ट, सॉफ्ट पार्ट ऑफ ऑन साइलेंट हॉन्चेस. हॉन्चेस द मीनिंग ऑफ हॉन्चेस, सॉफ्ट पार्ट ऑफ बटक एंड थाइस. जिस तरह से हमारा ये जो थाइस वाला जो एरिया होता है और इस तरह से जो सॉफ्ट पार्ट होता है, उसको यहाँ पे हॉन्चेस के साथ जो वो बोला गया. जिस तरह से जो कैट होती है, जो कैट होती है वो इस तरह से जो अपने थाइस के ऊपर जो वो बैठ जाती है, सॉफ्ट पार्ट होता है, तो एंड देन मूव्स ऑन, और फिर वो आगे बढ़ जाती है. एंड देन मूव्स ऑन, आगे जो है फॉरवर्ड हो जाती है. तो यहाँ पे जो है वो पॉइंट क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो फोग है, दैट इज द फोग कम्स ऑन लिटिल कैट फील. जो फोग है, फोग का मतलब होता है थिक मिस्ट, एक गहरा कोहरा धुंध जिसको हम बोलते हैं. ऑन लिटिल कैट फील, वो जो है बिल्कुल एक कैट की तरह, लाइक अ कैट, ठीक है, एक कैट की तरह वो चुपचाप आती है. इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी. इट सिट्स, बैठ जाती है, क्या देखने के लिए बैठ जाती है और कहाँ पे बैठ जाती है, ओवर हार्बर एंड सिटी. हार्बर एंड सिटी मीन्स ओवर सी एंड लैंड. ऑन साइलेंट हॉन्चेस, और वी कैन से द हार्बर. द हार्बर इज द शिप स्टैंड. इसको आप हिंदी में जो है वो बंदरगाह भी बोलते हैं. शिप स्टैंड, शिप स्टैंड. ऑन साइलेंट हॉन्चेस, हॉन्चेस बीइंग द सॉफ्ट पार्ट.
पार्ट ऊपर तक एंड थाइस, जो हमारे थाइस वाला एरिया होता है वो जो है वो उसके ऊपर जो है आराम से बैठ जाती है एंड देन मूव्स ऑन। तो यहाँ पे जो हमारे जो फोग की कमिंग एंड जो गोइंग जो प्रेजेंस दिखाई गई है, जो मूवमेंट दिखाई गई है, वो बिल्कुल उसको जो है कैट के साथ कंपेरिजन किया गया है। एज आई टोल्ड यू दैट द फिगर ऑफ स्पीच हेयर लाइक अ कैट, एक कैट की तरह आना, द वर्ड लाइक इट मीन्स द लाइक इट मीन्स सिमिली सिमिली फिगर ऑफ स्पीच इज यूज हेयर। नेक्स्ट हमने जो है वो फोग को एक ह्यूमन टर्म के अंदर बना दिया, तो यहाँ पे हमने उसका क्या कर दिया, पर्सोनिफिकेशन कर दिया है। पर्सोनिफिकेशन को बोलते हैं मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि जब हम किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को एक ह्यूमन टर्म के अंदर जब चेंज कर देते हैं, इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, इन हिंदी वी कॉल्ड द मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ पे जो वो फोग है वो क्या है, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे इस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हमने किसके अंदर चेंज कर दिया है, एक ह्यूमन टर्म के अंदर चेंज कर दिया है कि वो आ रही है, ठीक है, और अपने चुपचाप बैठ रही है ओवर द सी, एक बंदरगाह के ऊपर देख रही है और जो वो चुपचाप से चली जाती है। तो जिस तरह से ह्यूमन बींग जो है इस तरह से एक्टिविटी करते हैं, तो हमने जो फोग की प्रेजेंस को जो है उसके अंदर ह्यूमन टर्म के अंदर क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। सो यहाँ पे जो पॉइंट है इसके अंदर आपका सिमिली और जो है पर्सोनिफिकेशन जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। क्लियर दिस थिंग? सो दिस वॉज अवर शॉर्ट पॉइंट, आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। थैंक यू।